यो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू दिस वीडियो। गेट एग्ज़ाम एक एग्ज़ाम है 3 घंटे का। वो ख़राब भी जा सकता है, वो अच्छा भी जा सकता है। भले ही आपने बहुत अच्छी प्रिपरेशन क्यों ना की हो, वो 1-3 घंटे में अगर आपकी लाइक से कोई भी रीज़न की वजह से आपका दिमाग नहीं चला, आपको नर्वसनेस हो गई, आपका पैनिक हो गया आप, तो हो सकता है वो एग्ज़ाम आपका ख़राब हो गया हो। तो आज मैं उसी के बारे में बात करूँगा, उन्हीं चीज़ों के बारे में बात करने वाला हूँ कि अगर आपका गेट एग्ज़ाम ख़राब गया है तो व्हाट नेक्स्ट, क्या करना है नेक्स्ट, क्या कैसे इस चीज़ को हैंडल करना है, बिकॉज़ ये काफ़ी डिप्रेसिंग हो सकता है। कई लोगों का बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्टेड था, बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्टेड था, तो वो लोग कैसे इस चीज़ को टैकल करें और कैसे आगे बढ़ना है और सही डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, तो उसके बारे में बात करने वाला हूँ। सो वेलकम टू दिस वीडियो गाइस। ये वीडियो स्पेसिफिकली है अगर आपका गेट एग्ज़ाम बेकार गया है, ख़राब गया है किसी भी रीज़न की वजह से। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहली चीज़, जो बच्चे थर्ड ईयर में थे, जो इनका पहला अटैम्प्ट था, तो उसमें भी दो कैटेगरी है कि जो बच्चे उन्होंने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन की थी एंड जो बच्चे उन्होंने प्रिपरेशन ही नहीं की थी, जस्ट फॉर द शेक ऑफ इट उन्होंने दिया था। तो जिन्होंने बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन की थी वो देखें कि रीज़न क्या था ख़राब जाने का। मे बी पैनिक हो गए या कुछ सब्जेक्ट्स नहीं पढ़े थे, तो वो एनालाइज़ करें, उस क्वेश्चन पेपर को एनालाइज़ करें और अपने बिहेवियर को एनालाइज़ करें कि हम कैसा उस समय कैसे थे। फॉर एग्ज़ाम्पल, मोस्टली जो बच्चे होते हैं उनका पैनिक वैनिक से कुछ नहीं होता, उन्होंने सब्जेक्ट नहीं पढ़े होते। पैनिक तो जनरली बहुत ही कम लोग होते हैं, ठीक है। पैनिक वही होता है जिन्होंने नहीं पढ़ा होता है ज़्यादातर। ओके, तो थर्ड ईयर में आए हैं, फर्स्ट अटैम्प्ट दे रहे हो, आपने बहुत अच्छे पढ़ा था, तो एनालाइज़ करो कौन से सब्जेक्ट्स आपने छोड़े थे, कौन से टॉपिक्स आपके वीक रह गए थे, तो उन पे आपको काम करना है इस साल। और जो रैंक आपकी अब आने वाली है उससे 10 गुना अच्छी रैंक आपको लानी है, राइट। बहुत अच्छी रैंक अब आप अगले अटैम्प्ट में ला सकते हो, बिकॉज आपका फाउंडेशन ऑलमोस्ट क्लियर है, यू जस्ट हैव टू पुट चेरीज ऑन इट। बट थर्ड ईयर में हो, आपने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करी, फिर भी नहीं हुआ आपका, तो डोंट गेट डिसहार्टन्ड। दिस इज़ द राइट टाइम दैट यू शुड नॉट गिव अप। ओके, आपके पास एक साल और है, इसको अच्छे से पढ़ लो अच्छे से, और इस साल अपना पूरा बेस्ट दे दो। सोचो कि इसी बार गेट देना है मुझे, अगली बार कभी ज़िंदगी में गेट नहीं देना है। मैंने भी यही सोचा था कि गेट सिर्फ एक ही बार देना है, चाहे कैसी भी रैंक आए उसके थ्रू ही एडमिशन लेना है, मेरे को दोबारा देना ही नहीं गेट ज़िंदगी में। तो अब सोच लो कि गेट ज़िंदगी में देना ही नहीं है, जो थर्ड ईयर वाले बंदे हैं, एक बार देना है, वो लास्ट अटैम्प्ट होगा मेरा, तो अपना बेस्ट देना है उसमें। तो आपको ये थिंकिंग रखनी है थर्ड ईयर वाले जो बच्चे हैं, जिनका सेकेंड अटैम्प्ट अभी बचा है, ठीक है। फर्स्ट अटैम्प्ट उनका हो गया है, सेकेंड अटैम्प्ट में ही आपको निकालना है, थर्ड अटैम्प्ट है ही नहीं आपके लिए। अब हम बात करते हैं ऐसे बच्चे जो फोर्थ ईयर में थे, जिनका कॉलेज के में रहते हुए सेकेंड अटैम्प्ट था। अब वो उनके पास चॉइस है, या तो प्लेसमेंट लेना है या घर पे बैठ के ड्रॉपिंग करनी है, तैयारी करनी है इसकी। तो अगर वैसी सिचुएशन है आपकी, तो अब आप अपने लिए सुनिए मैं क्या कहना चाहता हूँ। आप फोर्थ ईयर में थे, आपका सेकंड अटैम्प्ट था आपका, या फॉर एग्जांपल आपका सेकंड अटैम्प्ट था ये एंड अच्छा नहीं गया है, तो अब एनालाइज़ करना है आपको कि आपकी प्रिपरेशन कैसी थी। क्योंकि आप फोर्थ ईयर में हो, तो आई एम अज्यूमिंग कि आपने थर्ड ईयर में भी दिया होगा, ठीक है। तो अब आपको देखना है कि क्या मैं गेट में मेरा स्कोर कितना आया है। अगर आपका स्कोर लेट्स से 30, 35, 40 तक भी आया है, ठीक है, 40 तक भी आया है, इट्स गुड मैन, इट्स रियली गुड। 35 से 40 अगर आपका आया है और आपको लग रहा है कि मैंने सीरियसली प्रिपेयर नहीं किया था, ऐसे ही मेरे नंबर आ गए, ज़्यादा सीरियसली तो किया नहीं था। अगर आपने बहुत सीरियसली किया था तो यू शुड गिव अप, है ना। ज़्यादा सीरियसली किया फिर भी नहीं आ रहा, तो कोई पॉइंट नहीं है ना इस चीज़ को परस्यू करने में। बट सीरियसली नहीं किया, थोड़ा बहुत ही सब्जेक्ट्स पढ़े थे लेकिन अच्छे मार्क्स आ गए, तो इट्स एन अपॉर्चुनिटी कि यहाँ पे गोल्ड माइन है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी सी प्रिपरेशन में काफ़ी अच्छे आउटपुट मिल सकते हैं, तो यू शुड टेक दैट रिस्क ऑफ ड्रॉपिंग। और मीनवाइल आपके पास कोई जॉब है, साइड बाय साइड आप जॉब कर रहे हो, तो उसके साथ, जैसे आपकी कोई जॉब है उसके साथ भी आप प्रिपेयर कर सकते हो। बट ऐसा नहीं कि जॉब छोड़ के प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है। बट जॉब ही नहीं है तो कोई ऑप्शन भी नहीं है ड्रॉपिंग के अलावा आपके पास, ठीक है। तो फोर्थ ईयर वाले बंदे जिनकी प्रिपरेशन एवरेज थी वो ड्रॉप कर सकते हैं। फोर्थ ईयर वाले बच्चे जिन्होंने बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया था इस साल लेकिन कोई रिजल्ट नहीं आया, अच्छा रिजल्ट नहीं आया,
कट ऑफ भी क्लियर नहीं हो रहा, बहुत ही कम मार्क्स आ रहे हैं, तो यार प्लीज़ आप गेट परस्यू मत कीजिए, आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा इसमें। यू शुड परस्यू लाइक डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिदम्स, आप जॉब लीजिए, जॉब में आप ट्राई करिए। इट्स नॉट लाइक कि आप नहीं कर सकते, इट्स लाइक कि मे बी आप उतने फोकस नहीं हो पा रहे सी एस सी के सब्जेक्ट्स पे, मे बी आपका इंटरेस्ट कुछ और हो, मे बी आप उसमें अच्छे हो जॉब वगैरह करने में, तो वो ट्राई करके वहाँ पे भी ग्रोथ आप ले सकते हो सेम दो साल के अंदर, ठीक है। तो आप वो वाला फील्ड एक्सप्लोर करो, बट गेट अगर आप लोगे तो इट विल बी अ टाइम वेस्ट फॉर यू, ठीक है। तो अब मैं बात करता हूँ कि ड्रॉपर्स किन को ड्रॉप करना है, वही बच्चे जिनका एवरेज स्कोर अच्छा आया है, या चलो ड्रॉपिंग का अच्छे से बात करते हैं। तो मान लो कि आपको पता ही अभी चला है कि गेट एग्ज़ाम होता है आपका, कॉलेज में आपको लगा कि भाई मैंने कॉलेज लाइफ वेस्ट कर दी, मैंने कुछ नहीं किया कॉलेज में, बस बेकार बकैती करी कॉलेज में ना, अब थोड़ी अवेयरनेस आई है, पता चला है कि अब तो घर पे बैठना है यार, अब तो कुछ है ही नहीं करने को, जॉब भी नहीं लगी मेरी, अच्छी जॉब है जाने का भी मन नहीं कर रहा, या जॉब है चलते चलते कुछ करना है। तो ऐसे बच्चे दिस इज़, अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा था, इट्स अ बेस्ट टाइम टू डू ड्रॉपिंग, एक साल जो है ना आपको डेडिकेटेडली करना है, बट आपने कुछ ऑलरेडी बहुत अच्छे से मेहनत की थी बट फिर भी नहीं आया, तो ड्रॉप नहीं करना है, ड्रॉप उन्हीं को करना है जिन्होंने पहले कुछ नहीं पढ़ा था, है ना। अब उनको रियलाइज़ हो रहा है कि यार हमने टाइम वेस्ट कर दिया कॉलेज में, थोड़ा बहुत पढ़ लेना चाहिए था, बट अब रियलाइजेशन हो चुकी है, तो ड्रॉप कर लो, एक साल ड्रॉप कर लो, सोचो कि दिस इज़ माई लास्ट अटैम्प्ट, आई विल गिव दिस, तो ऐसे आपको सोचना है, ठीक है। एंड जो ऑलरेडी ड्रॉप कर चुके थे उनका फिर नहीं हुआ है, तो प्लीज़ यार स्टॉप डूइंग ड्रॉप, एक्सप्लोर अदर फील्ड्स, अदर अपॉर्चुनिटीज़, जॉब कैसे लगवानी है, कैसे उसमें अप्रोच करना है, प्रिपरेशन कैसे करनी है। तो अगर किसी बच्चे को पर्सनली गाइडेंस चाहिए, पर्सनली वन ऑन वन बात करना है, 15-20 मिनट आधा घंटा बैठ के डिस्कशन करना है कि भैया मुझे क्या करना चाहिए क्या, तो यार वन ऑन वन हम बात कर सकते हैं टॉपमेट के ऊपर, ये बड़ा अच्छा फीचर मुझे लगा कि आप पर्सनली बात कर सकते हो अपने सब्सक्राइबर से, अपने लाइक किसी बच्चे से अगर कोई डार्कनेस में उसको बाहर ला सकते हो, तो कई मैंने कॉल्स किए, 10-15 कॉल्स मैंने किए हैं पिछले महीने, तो वो कॉल्स मैंने किए हैं, तो काफ़ी कुछ सीखने को मिला उनसे। तो द मोरल ऑफ दिस एंटायर वीडियो इज़ दैट आप किसी भी सिचुएशन में हो, वहाँ से बाहर आने का तरीका है, डिसहार्टन फील करने का कोई भी रीज़न नहीं है आपके पास, कोई भी रीज़न होना भी नहीं चाहिए डिसहार्टन फील करने का। भाई मैं खुद 12th क्लास में जब यही नहीं हुआ था, मैं पूरा डिप्रेस्ड बैठा था, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ज़िंदगी में क्या करना है, बट स्टिल आई गेट परसिस्ट, मैंने गेट एग्ज़ाम दिया, तो उसकी वजह से मैं आज यहाँ बैठा हूँ हैदराबाद में, अपना अच्छे से काम कर रहा हूँ। तो यार बिल्कुल भी किसी भी स्टेज पे हो ना, आप डिसहार्टन होने की कोई भी बात नहीं है, आप उस सिचुएशन से बिल्कुल बाहर आ सकते हो, बट आपको पॉजिटिव अप्रोच रखना है, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, ऐसा आपको मेंटेलिटी रखनी है और उस अप्रोच से आपको मेहनत करनी है। तो आई होप आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी, और जो भी आपकी मैं हेल्प कर पाऊँ आई विल ट्राई टू हेल्प यू। आप टॉप मेट पर कनेक्ट हुई है मेरे साथ, बात करिए, पर्सनल 1-to-1 बात करिए, एंड अगर आपकी कोई पर्सनल समस्या आप चाहते हैं कमेंट बॉक्स में मैं उसको सॉल्व करूँ, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या प्रॉब्लम है, क्या कैसे, क्योंकि हो सकता है कि किसी बच्चा ऑलरेडी कोई फेस कर चुका हो, वो आपके कमेंट का रिप्लाई दे। तो ट्राई टू टॉक अबाउट इट, डोंट कीप ऑल दोज ब्लंडर और दोज क्योस इन योर माइंड, ओके। ट्राई टू टॉक अबाउट इट कि भाई मेरा एग्ज़ाम इसलिए बेकार गया, अपने है ना बोर्ड पे लिखो, अपने आप को थोड़ा समझाओ क्या भाई, तू सोच तूने क्या किया था एग्ज़ाम में, क्यों तेरा एग्ज़ाम बेकार, तो अपने आप से बात करो थर्ड पर्सन में कि भाई तेरा एग्ज़ाम इसलिए बेकार गया था, तूने ये नहीं पढ़ा था, ये भी नहीं पढ़ा था, उस समय तो तू पार्टी कर रहा था। तो ऐसे करके थोड़ा सा अपने आप को थर्ड पर्सन में देखोगे तो अपनी गलतियाँ समझ में आएंगी, अपनी स्ट्रेंथ भी समझ में आएंगी कि यार तू इस चीज़ में बड़ा अच्छा है, उस चीज़ पर तूने ध्यान नहीं दिया। तो यही मेरा पर्पज़ है इस वीडियो को बनाने का, कि आप जो आप डीमोटिवेशन है उससे बाहर आइए, निकलिए, राइज करिए, ताकि आप कुछ कर पाएँ, आप अच्छे से कर पाएँ। देर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, गेट इज़ नॉट ओनली अपॉर्चुनिटी, आप बहुत सारे एग्ज़ाम कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, बस चढ़ते आपको ऊपर उठना है, आपको वो माइंड सेट चाहिए कि हाँ अब मुझे करना है, अब मुझे पढ़ना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।